नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 और हाउ टू पास और क्लियर एसए 1। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, लास्ट के 3-4 ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके मैंने कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, जिसमें से पहला टॉपिक आता है एक्सियल फोर्स। ठीक है गाइज, एक्सियल फोर्स पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट जो आता है, जो हमेशा पूछा जाता है, वो है SFD BMD डायग्राम। ठीक है गाइज, ये जनरली 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है केबल टेंशन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है कॉलम्स, कॉलम्स पे भी जनरली न्यूमेरिकल होता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग गर्डर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है 6th स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट एरिया मेथड एंड कॉन्जुगेट बीम मेथड। गाइस, नेक्स्ट है शेयर सेंटर, 5 मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है। लास्ट पेपर में शायद पूछा नहीं गया था, बस गाइस ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंगल फॉर्मूला वाला सम है, 5 मार्क्स के लिए जनरली पूछते हैं। ठीक है, सस्पेंशन केबल पूछते ही है, मतलब अच्छा है, सिंपल टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। ठीक है गाइस, ये सारे 10 टॉपिक्स हैं, इस पर गाइस आपको मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। अगर आप ये 10 टॉपिक्स भी अच्छे से करते हो तो आपको 32 मार्क्स तो मतलब कंफर्म आपके हाथ में है। ठीक है, अगर किसी को पास होना है तो भी ये, अगर ये 10 टॉपिक्स आप अच्छे से करते हो लास्ट के 2-3 मतलब पेपर उठा के, तो भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।